वेलकम टू केडी कैंपस गाइस, मैं मनीष ग्रोवर आपके साथ एसबीआई पीओ प्री का जो हमारा पहला मॉक टेस्ट संडे को आपने दिया होगा उसका वीडियो का सोल्यूशन आपके पास लेके आया हूं। और जो हमारे मैथ्स का डाटा है वो 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर हमारे पास अगले 35-70 तक क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन प्री के, तो उसके ऊपर मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 36 जो शीट के अकॉर्डिंग आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 36 है उसके ऊपर बात करते हैं। 3/7 इंटू 4/9 इंटू 2/5 और इंटू 3/7/19 हमें आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे थे 274, 341, 283, 500 और 288। सो गाइस, हमारे पास सिंपल सी बात है, अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है आप निकालो तो आपका आंसर कुछ और आए, मैं निकाल रहा हूं कुछ और आए। अप्रोक्सीमेशन की सबसे खास बात यही होती है कि आपका आंसर आसपास जितना निकालोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन अब इसको किया कैसे जाए। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, 4, 36 आया, बचा 1, 11 हो गया, फिर 1 पे गया, बचा 2, 29 और अप्रोक्सीमेटली 3 पे डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इसको 7 से करता हूं तो 7 इंटू 60 420 होता है, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड हो गया। और अब तो आपको दिख ही रहा है सर, 5 पे गया 12, तो आपका आंसर बचा 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 12। सो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 कितना 24, और 24 इंटू 12 अगर मैं आपके पास करता हूं गाइस तो अप्रोक्स 288 आपका आंसर आ रहा है। और 288 का अपने पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो 288 आ गया। सबसे पहली बात, एक चीज हमेशा याद रखना, पहला क्वेश्चन है उसको एंड करते हो एक चीज बताना चाहूंगा कि हम कर एक मिनट में भी सकते हैं, कर आधे मिनट में भी सकते हैं, पर जितनी जल्दी होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमें 2-2.5 मिनट में लगाने हैं सर। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, आप जिस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए गाइस, देखिए हमने पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 अपना डिस्कस कर लिया था अप्रोक्सीमेशन का, यह सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आएगा क्या। देखिए ये वैल्यू को छेड़ने की जरूरत है नहीं, 0.0008 लीव इट। आप मेन सॉल्यूशन इस पे आइए, इसको एज सेम एज लिख देता हूं मैं एक बार। तो ये आ गया 6 अप्रोक्सीमेट और ये डिवाइड बाय 49 बाय 100 बोल रहा हूं, डिवाइड बाय ओनली 49 हो गया, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 0.008 और डिवाइड ये हो गया 6 और डिवाइड बाय हमने क्या किया भाई 49, पर यहां पर पॉइंट का 7 है तो इसीलिए मैं 49/100 बोल रहा था। तो 49/100 पलट कर 100/49 हो जाएगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करता हूं तो ये 8 पे गया और इसको डिवाइड करता हूं ये 12.5, और जब इसमें 12.5 जोड़ोगे तो खास कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो आंसर 12.5 के आसपास आएगा। और 12.5 के आसपास का आपके पास एक ही ऑप्शन है एंड दिस इज क्या 12, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12 आ गया। तो अगर मैं इसको एक जनरली आपके पास लिखा हुआ है, अब जब मैं इसको अपने पेपर के लिए करना चाहूंगा तो बहुत सिंपल है, हमें तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना है। ये 6 49/100 पलट कर ये हो गया 100/49, तो इसको 50 मान लो, ठीक है। अगर इसको 50 लेट कर ले तो ये पूरा पूरा 12 पे डिवाइड हो गया, तो आंसर एग्जैक्टली 12 आ जाएगा। तो हमें तो वो चीज, ये तो पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेन मुद्दा है सॉल्यूशन लिखना है, जितनी जल्दी आप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है सर। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और अकॉर्डिंग टू आपके मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 38, तो इसके ऊपर बात करते हैं क्या है। पहली बात यह है क्यूब रूट, और जिन लोगों को क्यूब रूट नहीं निकालना आता तो आना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं क्यूब रूट कैसे निकलता है। 6 5 7 जब भी क्यूब रूट निकालते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर लीजिए। अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट हम निकाल लेंगे यहां से, परफेक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, बट अप्रोक्स निकालना में कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो अगर पीछे यूनिट, पहले तो 3 प्लेस आपको पीछे से पार्शियल कर लेने हैं, अगर पीछे 7 है तो आंसर में 3 आता है, कारण क्योंकि जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 3 आता है। तो पीछे 7 है तो आंसर में तो आ जाएगा यहां पे 3।
अब हमें देखना है कि किसका क्यूब करें कि 795 आए या उससे कम आए, तो वो 9 का क्यूब हो सकता है, दिस इज द 729। मतलब अगर इसका क्यूब रूट करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास 93 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं 93 इंटू 7 और डिवाइड बाय, इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 4 ले लिया, 3.8 को अप्रोक्सीमेटली 4 ले लिया, और ये 5.5 हमने ऐसे का ऐसे रखा है एज इट इज। सो गाइस 4 पे गया अप्रोक्स 23, अप्रोक्स 23 जिसको बोलते हैं, वैसे तो 3.8 है तो 23 से कुछ ज्यादा पे डिवाइड होगा, ये बात याद रखना। 3.8 था तो 4 पे 23 और 23.25 ही आएगा लगभग, क्योंकि 23 इंटू 4 92 होता, मैंने अप्रोक्स काट दिया। और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 22, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड होगा, 4.25 4.5 जो भी होगा। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 29-30 के अप्रोक्स आना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा चाहे जाए इससे कम नहीं आएगा। तो इनके अप्रोक्स में अपने पास एक आंसर है क्या, 31। तो अपना जो थर्ड एग्जांपल है उसका जो आंसर है वो 31 आ गया। तो मेन मुद्दा यही है बच्चों, ये नहीं सीखना कि कितनी देर में करना है, या पहले तो आपको ये देखना है किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कि मैं थोड़ा कम लेके चलूं, जैसे मुझे पता था यहां 3.8 है, मुझे पता मैंने उसको थोड़ा ज्यादा लिया तो जब आंसर आएगा तो मैं उसको यहां पे थोड़ा कम पे डिवाइड करूंगा, और आंसर मेरा जब 7 से जब 4 है 3.8 से करते तो कुछ वैल्यू ज्यादा आती और यहां भी कुछ वैल्यू ज्यादा आती, तो आंसर और 31 के आसपास ही आता। तो इस चीज को आप एक बार देख सकते हो सर। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए गाइस, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है अप्रोक्सीमेशन का, तो इसके ऊपर बात करते हैं इसको किस तरीके से हैंडल करना, और थोड़ा सा आपको ये तंग जरूर करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है या काफी थोड़ा सा हैवी है। तो बात करते हैं इसके लिए भी किसको किस तरीके से इजी किया जाए, हैंडल किया जाए। इन दोनों का मल्टीपल और डिवाइड में अपने पास है 285 का स्क्वायर, तो 285 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 285 इंटू 285। और अगर आप ध्यान से देखो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 294 के आसपास आएगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं सर, मैंने इसको अप्रोक्स 3 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी मैंने जब 3 से किया तो 2, 6 और 2 अप्रोक्स, तो मतलब जब इसको इससे डिवाइड करोगे आंसर जो है वो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम 0.3 नहीं हो सकता, 1.8 तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और ये तो 0.08 है तो एक ही ऑप्शन बचा 0.9, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया सर, 0.9। मैं एक बार रिपीट करता हूं इस चीज को देखना, 98 था, 785 था, 285 और इंटू 285। ठीक है, हो सकता है एक बार में नहीं कई बार क्लियर होता, रिपीट करके देखोगे उससे अच्छा एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 294 आता है, तो थोड़ा सा कम पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 अप्रोक्स 2.99 समथिंग पे जो भी होगा। अब इसको मैं अगर 3 से करता हूं तो ये आ रहा लगभग 262, तो आप देख सकते हो 262 को 285 से डिवाइड करोगे 1 से थोड़ा सा कम आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 0.9। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का, 749 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, तो आप इसको 27 लिख सकते हो अप्रोक्स, और ये 0.5 हो गया और ये 14.38 तो आपके पास है ही है। तो 0.5 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मतलब उस नंबर का क्या आएगा, हाफ आएगा, 0.5 का मतलब 1/2, और 1/2 इंटू 27 आ गया 13.5 और ये अप्रोक्स 14.5, तो आपका जो आंसर है वो लगभग 28 के आसपास आएगा। और जैसा कि आप जानते हो इसका स्क्वायर 27 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, तो मतलब आंसर 28 से ज्यादा आएगा, आंसर 28 से कम तो नहीं आएगा, और ये 0.56 है, तो मतलब 0.5
सिक्स होता तो और भी थोड़ा आंसर ज्यादा आता। तो कई बार बच्चा डाउट में होता है कि सर मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर करता तो मेरा आंसर 25 भी आ सकता था, मैं अगर थोड़ा इधर उधर करता तो मेरा आंसर 30 भी आ सकता था। तो इसीलिए इतनी जजमेंट होनी जरूरी है कि मैंने इसको थोड़ा सा कम लिया, ज्यादा लेता तो और ज्यादा आंसर आता, इसको भी थोड़ा कम लिया ज्यादा लेता और ज्यादा आंसर आता, मतलब आंसर विल बी मोर देन 28, सो आंसर विल बी क्या 30। तो इन चीजों को जब सिंप्लीफिकेशन करते हो तो इन चीजों का ध्यान रखा करिए। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ सिंप्लीफिकेशन के डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन है हमारा डीआई का, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। चलिए गाइस, 5 क्वेश्चन अभी अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के डिस्कस किए, अब हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, हमारे पास एक डीआई का क्वेश्चन है जो बहुत ईजी लग रहा है और अक्सर टेबल में आपको मैंने, आप भी जानते हो अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो या आप मुझसे पढ़ते हो या कहीं से भी आप पढ़ते हो तो आपको एक चीज पता है कि मिसिंग डीआई का क्वेश्चन अक्सर आता है, और मिसिंग डीआई का क्वेश्चन हर बार आता है, या अगर हम बात करें किसी भी तरह क्वेश्चन हो मिसिंग डीआई पे, टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट लॉस पे, इनके ऊपर मिसिंग डीआई के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसा कि लास्ट एसबीपीओ में बने थे। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर, 41st क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आपके पास होंगे तो अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1500 कैंडिडेट, 1500 बच्चे एसबीपीओ स्टेट ए में अपियर हुए, मतलब 1500 स्टूडेंट जो थे वो अपियर हुए ए स्टेट में, अपियर मतलब जिन्होंने पेपर दिया। फिर बोला गया कि उसमें से 40% कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए। तो गाइस 1500 अपियर हुए, ये जो कैंडिडेट हैं साफ साफ लिखा हुआ है ये अपियर हैं, और इनमें से जो क्वालिफाई हो गए, सर क्वालिफाई की अगर बात करें जिन्होंने क्लियर कर लिया 40% है, और 1500 का 40% कितना 600, ठीक है। और अब बोला गया कि इस क्वालिफाई के अंदर जो मेल और फीमेल, मतलब इन क्वालिफाई के अंदर मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 3:5 है गाइस। और अब हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु आर क्वालिफाइड इन दिस स्टेट, कि इस स्टेट में कितनी फीमेल क्वालिफाई हुई है। टोटल अपियर 1500, बहुत इजी है, 40% क्वालिफाई हुए, और 1500 का 40% कितना 600 हो गया, और इसमें बच्चों क्वालिफाई मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है और फीमेल पूछी है, मतलब 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू 600 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 75, और क्वालिफाई फीमेल जो है वो 5 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 75, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई हमने किया 75 × 5, तो 375 आपकी फीमेल आ गई जो क्वालिफाई है स्टेट ए के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 42, मतलब डीआई का 42nd क्वेश्चन। अगर आप में से कोई डाउट लगे तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको बहुत आराम से बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। डीआई का क्वेश्चन नंबर 42nd, देखिए गाइस, बोल रहा है नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीओडी स्टेट डी, स्टेट डी के अंदर जो मेल क्वालिफाई हैं वो कितना परसेंट है उनका जो डी स्टेट में टोटल क्वालिफाई है। गाइस एक बात बताओ, मैंने जो मुझसे पढ़े हैं वही बात बार बार, या किसी से भी पढ़े हैं, एक चीज सीखी होगी कि अगर आंसर परसेंटेज में देना है तो वैल्यू अगर नहीं भी दी गई तो तब भी कोई बात नहीं, आप आंसर निकाल सकते हो, पर कंडीशन उस चीज का रेशियो दे रखा हो आप जिसका आंसर निकालना चाह रहे हो। कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन की वैल्यू दे नहीं रखी और नहीं करके आएंगे, तो एक चीज देखो, उन्होंने पूछा है मेल क्वालिफाई कैंडिडेट, मेल क्वालिफाइड कैंडिडेट डी स्टेट में, स्टेट में लिख देता हूं डी, कितना परसेंट है टोटल क्वालिफाइड का, वो भी डी स्टेट की बात कर रहा है। ये रहा क्वालिफाइड मेल और फीमेल का रेशियो डी के अंदर, रेशियो दे रखा है, जिस चीज की वे परसेंटेज निकालनी है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मेल क्वालिफाई है 8 और फीमेल क्वालिफाइड है 5 स्टेट डी के अंदर, ये पूरा दोनों चीजें स्टेट डी की बात कर रही है, तो उसने मेल की परसेंटेज पूछी है, तो 8 मेल क्वालिफाइड हैं आउट ऑफ कितना 13 × 100, और अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज पूछी गई तो आप निकाल सकते हो,
13 से गया 791, 9 बच गया 7.7 लगभग, यानी 63 और 64 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, और इसमें एक अप्रोक्सीमेटली 62 दे रखा है, तो आपका जो आंसर है सर वो 62% के आसपास आ गया। तो आपको ज्यादा इसके बारे में सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सो आपके सेकंड क्वेश्चन का अंदर डीआई में 462% आ गया। कई लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में कि सर यहां पर वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो मैं मेल फीमेल कैंडिडेट निकालूंगा कैसे? सर आंसर परसेंटेज में देना है तो वैल्यू चाहिए ही नहीं, हम डायरेक्ट रेशियो का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, वही हमने कर दिया। मेल और फीमेल स्टेट डी की बात कर रहा था, देख लीजिए, और क्वालिफाइड मेल फीमेल का रेशियो दे रखा था, तो हमने लिखा मेल 8 क्वालिफाई है आउट ऑफ क्या 13 यानी 13, और इनटू 100 परसेंटेज के लिए अप्रोक्स आंसर 62%। अब ये आपका था इस डीआई का सेकंड क्वेश्चन। हम बात करते हैं इस डीआई के थर्ड क्वेश्चन पे, और आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर क्या 43। देखा इस 43 नंबर क्वेश्चन पे अब बात करते हैं क्या था लिखा है। इफ 54% अपियर्ड कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन स्टेट बी, स्टेट बी की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 54% कैंडिडेट क्वालिफाइड है बी स्टेट में, तो बी स्टेट में टोटल अपियर्ड जो है गाइस वो हमें दे रखे हैं 750, और इसका 54% जो है वो क्वालिफाइड है। तो गाइस कई बार बच्चा इसको पेन से कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, अलग से जाके लिखता है कि हाँ ये इतना आ गया ये इतना आ गया, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसका 50% होता है 375, अब इसका हमें चाहिए 4%, टोटल 54% हो जाएगा, और इसका 4% जो है वो कितना हो गया गाइस 30। अगर मैं इसका 4% निकाल रहा हूं तो वो 30 हो गया, तो टोटल 405 कैंडिडेट बी में क्वालिफाई हो गए। अब हमें पूछा है तो बताओ फीमेल कैंडिडेट कितनी क्वालिफाई है सेम स्टेट में, तो बच्चों 405 टोटल क्वालिफाई है बी में, रेशियो हमें दे रखा है कि मेल और फीमेल जो क्वालिफाई है उनका रेशियो 5:4 है, तो इस रेशियो में आप इसे बांट दीजिए। तो बेटा 4 और 5 9, 9 यूनिट की वैल्यू 405 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या 45, और हमें फीमेल चाहिए यानी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकली, तो अपने पास आंसर क्या आ गया सर 180, कि 180 फीमेल जो है वो क्वालिफाई होंगी कौन सी स्टेट के अंदर सर, बी स्टेट के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। एक बार मैंने आपको आराम से बता दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे आप रिवर्स जा सकते हो। एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर मान लो आपको बोल देता कि मुझे इसका 62% चाहिए, होता ना कई बार बच्चे डीआई में परेशान होते हैं, इसका 62% चाहिए, तो दो तरीके से जाओ, इसका पहले 60% निकाल दो फिर 2% निकाल दो, और इसका 60% अगर आप निकालोगे तो आएगा 450, और इसका 2% निकालोगे तो 15 आ गया, तो 465। तो ये तरीका बहुत सही है, अगर आप किसी वैल्यू निकालना चाहते हो चाहे वो लार्जेस्ट टर्म हो चाहे वो स्मॉलेस्ट टर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और इस डीआई का आपका फोर्थ एग्जांपल। देखिए 68 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई है सी स्टेट में, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं SBPO जो, ये तो पता ही है कि SBPO के बारे में बात कर रहा है चार्ट। तो 68 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई है सी में, सो गाइस सी का रेशियो भी गिवन नहीं है मेल फीमेल का कि मैं टोटल निकाल पाऊं, तो इसलिए इसको देखते हैं, बस लिख लेते हैं कि मेल क्वालिफाई 68 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट सी। फिर है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल हु इज क्वालिफाइड इन सी। गाइस देखो टोटल सी में 600 अपियर है, सी के अंदर टोटल अपियर जो है गाइस वो आपको दे रखे हैं 600, और इसका 28% जो है वो क्वालिफाई है, क्वालिफाई निकालने हैं ठीक है, और इसका 28%, अगर आप इसका 28% डायरेक्ट निकाल पाओ तो बहुत बढ़िया है सर, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, और इसका 28% निकालोगे तो 168 आ जाएगा, आप करके देख सकते हो। अगर टेंशन है तो क्या करो, इसका 30% 180
और इसका 2% माइनस करो क्योंकि 28% चाहिए, और इसका 2% 12, टोटल 160 क्वालिफाई आ गए आपके सी स्टेट में। अब मेल क्वालिफाई दे रखे हैं 68, तो मेल क्वालिफाई 68, टोटल क्वालिफाई 168, तो फीमेल क्वालिफाई 100 हो गया, और 4 से डिवाइड करो आपका क्वालिफाई मेल और फीमेल का जो रेशियो है 17:25 आ गया, जो थर्ड ऑप्शन है आपके इस पेपर के अंदर। तो मेल क्वालिफाई दे रखे थे, अपीयर दे रखे थे, क्वालिफाई की टोटल परसेंटेज दे रखी थी, टोटल क्वालिफाई 168 आ गए। तो मेल क्वालिफाई 68, फीमेल क्वालिफाई 168 टोटल क्वालिफाई है, मेल माइनस करो फीमेल 100 आ गई, आप उसका रेशियो निकाल सकते हो गाइस। और अब इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, द क्वेश्चन नंबर 45। तो इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, एवरेज पूछी है सी और ई स्टेट में जो क्वालिफाई नहीं है, एवरेज सी और ई स्टेट में जो क्वालिफाई नहीं है, स्टेट सी और स्टेट क्या है ई, हु आर नॉट क्वालिफाई, मैं लिख देता हूं एक बार, नॉट क्वालिफाई की एवरेज पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सी के अंदर 600 है और 28% जो है वो क्वालिफाई है, मतलब 72% क्वालिफाई नहीं है, तो 600 का 72% निकालना बहुत इजी है। इसका 70% 420 और इसका 2% 12 और गाइस टोटल क्वालिफाई सी स्टेट में 432 आ गए। ये तरीका बहुत जगह हेल्प करेगा। तो गाइस 72% इसका 28% क्वालिफाई थे पर हमें नॉट क्वालिफाई चाहिए, तो 28% 600 का क्वालिफाई, 72% नॉट क्वालिफाई, तो वो आ गया 432। सेम एज ई स्टेट 1040 टोटल है, 1040 टोटल है और इसका 40% क्वालिफाई है, तो मतलब इसका 60% जो है वो क्वालिफाई नहीं है, देख सकते हो आप। तो इसका 60% निकालना है, ये तो डायरेक्ट ही निकल आएगा, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो 104 × 6 तो ये आ गया 624। तो सी और ई स्टेट में टोटल क्वालिफाई आप ऐड कर लीजिए 1056 आ रहा है, इनको ऐड कर लीजिए। और एवरेज निकालनी है, दो स्टेट हैं, दो से डिवाइड करो, तो ये क्या आ गया 528 आपका आंसर आ गया, एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाई सॉरी नॉट क्वालिफाई इन स्टेट सी और स्टेट ई। सो ये आपका डीआई का आखिरी क्वेश्चन भी था। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या डाटा है उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए गाइस डीआई देख ली एक और 5 अप्रोक्सीमेशन देख लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरी आपके साथ अगर मैं हो सकता है पॉसिबल होगा तो मैं कुछ नए लॉजिक के ऊपर नंबर सीरीज के एक वीडियो लेके आऊंगा, बट स्टिल हम मॉक टेस्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर बात करते हैं। सो गाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 30, 210 और 742, फिर है 1716, फिर है 3390 और फिर है 5814। सो गाइस इस क्वेश्चन में आपको एक चीज पता है, या तो मिसिंग नंबर निकालना है आती है सीरीज पर, ये है फाइंड द रॉन्ग वन आउट, एक गलत नंबर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा नए पैटर्न पे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसिंग प्लस रॉन्ग वन आउट और मिसिंग रॉन्ग प्लस सिंप्लीफिकेशन। ये एक नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है बट मुझे ऐसा लगता है कि कल को कोई चेंज आए तो ये आ सकता है, तो एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा मैं आपके साथ। तो गाइस अब इसके ऊपर बात करते हैं, एक नंबर गलत है वो गलत नंबर फाइंड करना है। पहली बात, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको सॉल्यूशन देखना है, मैंने सीरीज आपके सामने लिखी है, हमें उसको समझना है कि मुद्दा क्या है, कैसे किसको हैंडल किया जाए। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, तो या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दो चीजें। सिंपल है सर, इतना तो हमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस या मल्टीप्लाई सॉरी अगर सीरीज बढ़ रही है तो प्लस या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं अपना व्यू रखता हूं, मल्टीप्लाई लग नहीं रहा सर, क्योंकि यहां 2 से करेंगे तो डबल मतलब 66 के आसपास जाएगा, अगर इधर 2 से तो इधर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप सोचो इधर 2 से इधर 1 से तो पॉसिबल नहीं है। आप कहो कि बड़ा नंबर हो
टू थ्री से करोगे 5100, फोर से करोगे 2800, फाइव से करोगे तो 1000 क्रॉस करेगा, मतलब इट क्लियर्स कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब हो सकता है कोई चीज प्लस हो रही हो, अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो हम लोग गैप चेक कर सकते हैं, गैप भी चेक कर सकते हैं, पर अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट एक चीज दिख रही है सर, अगर आप देखना चाहें आपको यहां पे एक लॉजिक दिखेगा, शायद आपको दिखे कि 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 3 कर दें तो 30 आ गया सर। इसी तरह अगर इसको देखो, 6 का क्यूब होता है आपके पास 216, और इसमें से 6 क्या कर दें माइनस, तो 27 जमा 3, मतलब 3 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब 216 माइनस 6, और गाइस मतलब 3-3 का गैप चल रहा है तो यहां होना चाहिए 9 का क्यूब 729, और एक बार प्लस एक बार माइनस तो यहां भी प्लस होगा, 3 प्लस 6 माइनस, और जिस नंबर का क्यूब है वही नंबर प्लस माइनस हो रहा है गाइस, तो 9 का क्यूब 9 ऐड होगा तो ये नंबर 738 होना चाहिए, और हमें कभी नहीं बताना है यहां क्या आएगा, हमें तो जस्ट ये बताना है कौन सा नंबर रॉन्ग है, तो रॉन्ग नंबर यहां पे हो गया 742। अगर लॉजिक देखें 3, 6, 9 तो इस हिसाब से 12 होना चाहिए, 12 का क्यूब ठीक है, और अब 12 ही प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस माइनस प्लस तो यहां क्या होना चाहिए माइनस, तो 12 का क्यूब होता है 7, 1728, माइनस 12 1716 आ गया, तो आगे 15 और आगे 18 वो आपको पता लग जाएगा, तो इस सीरीज का जो गलत नंबर है वो है 742। अब मैं आपके साथ इसकी दूसरी सीरीज के ऊपर बात करता हूं, तो वो अपने पास सीरीज है 47, एक एक करके सब पे बात करते हैं, 46 पे हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं 47। देखिए इसको लिख देता हूं, एक बार लिख के आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा क्या है क्या नहीं है, तो 1440, 1152, 930, 766, 651 और 580, ये आपके पास एक सीरीज है, लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, मैं आपको इसीलिए लिख के बता रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेन करना इसको इजी रहता है और आपके समझने के भी काम आएगा, गलत नंबर फाइंड करना है कुछ नया नहीं करना है गाइस। पहली बात, डी असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब माइनस या डिवाइड, ये चीज अपने माइंड में लेके चलना हमेशा, माइनस या डिवाइड डी असेंडिंग ऑर्डर है। अब डिवाइड लग नहीं रहा क्योंकि ज्यादा गैप है नहीं सर, बचा माइनस, और एक अगर माइनस हो रहा है हमें पता है दोनों चीजें हो सकती थी, पर मुझे क्या लग रहा है माइनस, और आपको भी दिख रहा होगा, तो माइनस हो रहा या प्लस हो रहा तो हम लोग सीरीज का गैप चेक करते हैं नंबर का। अब यह भी नहीं कि किसी का ये क्यूब स्क्वायर, ये 38 का स्क्वायर होता है, पर उसके बाद ये आपका 1156 अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से 34 का स्क्वायर होता है, आप भी जानते हो, तो ये 38 का, ये 34 का, फिर हो सकता है इधर 30 का लिया हो या किसी भी चीज का। वैसे तो हमारे पास अब अगर इस सीरीज के ऊपर बात करते हैं तो गैप चेक करेंगे सर, क्योंकि जब किसी सीरीज में प्लस माइनस लगता है तो हम लोग गैप चेक करते हैं, तो वन बाय वन चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आप तक कोई लॉजिक मिल जाए। तो इसमें से अगर इसको माइनस किया मैंने तो 288 आ गया, 1440 में से 1152 को माइनस किया 288 आ गया, और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो आप देख सकते हो आपके पास 222 आ गया, इसमें से अगर इसको भी माइनस करें तो गाइस आपके पास 164 आ गया। तो ध्यान से देखो एक बार जरा, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1, 288 आ गया भाई, 17 का स्क्वायर 289 होता है, अब हमने किया तो 1 माइनस करो इसमें से और 288 बन रहा है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और माइनस 3 कर दो तो 222 भी आ गया। अब कई बार बच्चा सोचता है सर मेरे दिमाग में एकदम कैसे आएगा, सर इसी को सीरीज बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कोई है नहीं, आंखें ध्यान कंसंट्रेशन पूरा इसी पे होना चाहिए फोकस, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आगे 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो आगे 13 का होना चाहिए, आप भी जानते हो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस में क्या होना चाहिए 5, 164 भी आ गया, तो भैया 17 15 13 का स्क्वायर चल रहा है और आपका नंबर और नंबर माइनस हो रहा है 1, 3, 5। आगे देखते हैं आप जरा, इनका गैप आ रहा है 5, 1, 1, मतलब 1, 1, 5,
और ये 13 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए 11 का स्क्वायर। और कई बार बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को, तो करता है 115 ही निकाल देगा, पर रॉन्ग वन आउट में लॉजिक फॉलो किया जाता है कि लॉजिक क्या है। तो 115 और 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस करना बनता है 7, और इन लोगों ने यहां पर 115 निकाला है, आना 114 चाहिए, तो मतलब जो है यहां 114 का गैप होगा, तो यहां 652 आना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है ये रॉन्ग हो गया। तो बस ये देखना है कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो हमने देखा भाई कि माइनस लग रहा है, गैप चेक किया और हमारा लॉजिक हमारे पास। और सर 5 सीरीज 3 मिनट के अंदर अंदर करनी होती है, नहीं तो सर 5-6 मिनट में तो सब कर देते हैं। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल, जिसको हम लोग, मैंने आपको बता दिया सीरीज का सेकंड एग्जांपल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और आपकी सीरीज का जो एग्जांपल है वो थर्ड सीरीज का। सो 18, 59, 187, 576, 1749, 52, 5269। चलिए गाइस देखो, असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई सीरीज जा रही है तो उसमें दो चीजें पॉसिबल होती हैं, प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब मतलब इस सीरीज में भी या तो कोई चीज प्लस हो रही है या कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वो हमें देखना है क्या है क्या नहीं। तो सर 18 से बात 5269 तक जा रही है, तो चांसेस ज्यादा यही है कि बेटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा है ये देखना है। तो जब भी आपको देख के लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरी प्रेफरेंस है, और आप ट्राई करना, आपको बहुत सारे, मैं बोल रहा हूं कि आपको एक सीरीज पे वीडियो दूंगा तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो पाएगा, स्टिल अपने पास जो एग्जांपल है हम उसी को देख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट के दो नंबर की आप हेल्प लीजिए तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। 1749 से 5269 पहुंचना है, अप्रोक्स 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और काम बन सकता है। सो 3 से 27 बचा 2, 12 और 2 14 बचा 1, ये आ गया 5247, और इसके अंदर 22 ऐड कर दो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हो सकता है इनमें से भी कोई नंबर गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो 3 कौन कौन सा नंबर है, नेचुरल, ऑड, प्राइम, मतलब इन तीनों में से कोई एक लॉजिक हो सकता है। अगर नेचुरल है तो 3, 2, 1 हो नहीं सकता, प्राइम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो एक चॉइस ये भी हो सकती है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो कि इधर भी 3 से, एक बार करके देख लेते हैं। सो गाइस 18, 22, 1728 और 21 ऐड हो गया, 22 ऐड 21 ऐड, तो मे भी यहां 20 ऐड हो रहा हो, यहां पे आपका 19 ऐड हो रहा हो, और यहां पे कितना 18 ऐड हो रहा हो। तो एक बार देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से, तो यहां 3 से करते हैं, ये आया 54 प्लस 5, यहां 5, यहां 21, यहां 22। तो बेटा जब भी रॉन्ग वन आउट उठाओ और मल्टीप्लाई लगे तो लॉजिक आगे भी लगा लो पीछे भी लगा लो। अब इन दोनों लॉजिक को मर्ज करके देखो, ये 5 ऐड हो रहा है, ये 21 22 22 21 20 हो नहीं रहा, मतलब या तो इनमें से कोई गलत है या इन दोनों में से कोई गलत है। इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं आगे, मैंने किया 3 से, अगर 3 से करता हूं तो 177 आ रहा है, प्लस में 10 आ गया गाइस, मतलब 5 ऐड 10 ऐड हो सकता आगे 15। तो इनमें से भी कोई नंबर गलत हो सकता है, पर ये एक बार शुरू हो गया पर ये भी कंटिन्यू है, तो एक बार इसको लेके चलते हैं कि ये लॉजिक क्या कहता है, तो फिर देखते हैं कौन सा नंबर गलत है। इसको किया मैंने 3 से 21, और ये आ गया अपने पास कितना 6, और ये आ गया 5, और देखिए गाइस 15 ऐड हो रहा है, तो ये आ गया अपने पास 561, मतलब अपना लॉजिक यही सही है। 5 ऐड 10 ऐड 15 ऐड, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आ रहा है 1728, और ये ऐड कर रहा है 21, बट गाइस रॉन्ग नंबर निकालना है तो लॉजिक फॉलो करो, 5 ऐड 10 ऐड 15 ऐड, तो यहां कितना ऐड होगा 20, तो ये 1748 आना चाहिए, मतलब हमारा जो नंबर यहां पे था 1749 वो एक रॉन्ग नंबर है, और ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आप
रॉन्ग वन आउट की तरफ बढ़े तो एक लॉजिक आगे से लगा लो, अगर मल्टीप्लाई है एक पीछे से लगा लो, आपको लगता है कि भाई मैं अगर सही जा रहा हूं, आगे पीछे वाले को मर्ज करके देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अगर आगे और पीछे वाला लॉजिक चल रहा है, मर्ज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी है सर। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जांपल इस पे बताता हूं, देखना एक बार जरा। जैसे 14, 91, 546, 3002 और 15015, ये एक एग्जांपल है। चलिए मल्टीप्लाई पे है, ऐसे ही मैंने ले लिया। चलो देख के मल्टीप्लाई, अगर हमें लग रहा है कि देख के इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हाँ यार मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, एक टू यहां पे एक और हम ले रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट के दो नंबर को पकड़ा, 5 से मल्टीप्लाई किया 15010 और प्लस में 5। अब वहां 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड, यहां पे अगर आप देखें, घूमना नहीं होता, कॉन्फिडेंट रहना होता है, यहां देखें तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों वहां 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड, यहां कुछ ऐड हुआ नहीं, तो इससे ये श्योर हो गया या तो इन दोनों में से कोई गलत है या इन दोनों में से कोई गलत है, कोई भी एक, मुझे नहीं पता। अब इन दोनों को देखो जरा गौर से, किससे मल्टीप्लाई, 6 से, मतलब यहां भी कुछ ऐड नहीं, यहां भी कुछ ऐड नहीं, मतलब श्योर यही नंबर में से कोई, दोनों में से कोई गलत है, ये सब सही है। अगर यहां 7 यहां 6 तो बीच में तो 6.5 का एक लॉजिक बचता है। और गाइस आप मल्टीप्लाई करके देखें, 14 × 6.5 आपको 91 मिल जाएगा, तो 7, 6.5 यहां 6 से, तो मतलब यहां किससे करेंगे, 5.5 से, तो इसको 5 से करो, 2730 आ गया। और जब इसको 0.5 से करोगे, मतलब इसका हाफ 273, तो आ गया 3003, आना 3003 चाहिए था, 3002 लिखा हुआ है, ये नंबर रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है सीरीज के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये था एग्जांपल नंबर 48। हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 49 के ऊपर, ठीक है, कि देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता। 49, 7, 22, 64, 216, 898, 4525 और 27190, ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो अगर इस सीरीज की बात करें तो फिर से असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, तो या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अब वो हमें देखना है कि हमें क्या लग रहा है। तो एक चीज गौर से देखो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने बताया था लास्ट के दो नंबर को पकड़ो, ये रहे, और बेटा 45, अगर इसको 4500 ले लें अप्रॉक्स, तो 4500 × 6 जो होता है वो 27000 के आसपास होता है, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये कई बच्चे क्या होता ना साइड में लिख के 4525 × 5 करके फिर इंटू 6 करके देख रहे हैं, ये सब करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। लगभग 4500 हो गया, ये 27000 के आसपास, 6 से मल्टीप्लाई करो आप पास पहुंच जाओगे। तो करते हैं एक बार, ये आ गया आपके पास 27150 और प्लस में 40, आपका लॉजिक लगा। अब मैंने क्या समझाया था अभी अभी, वो भूलना नहीं है, काम आएगा सर मल्टीप्लाई की हर रॉन्ग वन आउट में। इस लॉजिक को अब यहां भी लगा के देखो, अगर मर्ज हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। 6 से, 6 एक नेचुरल नंबर भी है, इवन भी है, इवन तो होगा नहीं, 6420 नहीं, नेचुरल हो सकता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 से किया 7 + 15, अब इनको मर्ज करके देखो, 15 है 40 है, तो 1, 2 तो बढ़ नहीं रहा होगा, मे बी 5, 5 बढ़ रहा हो, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब ये दोनों भी सही हैं, ये दोनों भी सही हैं, क्योंकि मर्ज हो गए, मर्ज ना होते तो इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई गलत होता, मर्ज हो गए तो मतलब बच्चों बीच में से कोई नंबर गलत है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इंटू 1 × 2 होगा 44, और गाइस एक चीज यहां पे बच्चा गलती करता है, 64 निकालेगा ना, लॉजिक फॉलो करो, 64 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। 15 ऐड या 20 ऐड होना चाहिए, तो 64 आ गया, मतलब 64 सही है। इंटू 3 अगर मैंने किया तो आपके पास 192 आ गया, 15 ऐड 20 ऐड 25 ऐड करना है, और 217 आना चाहिए,
और इन्होंने 216 दे रखा है, मतलब इस सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है वो 217 आ गया। तो मल्टीप्लाई में हर रॉन्ग वन आउट की सीरीज में एक लॉजिक आगे लगाया एक पीछे लगाया, उसी को यहां लेके आना है, फिर उनको मर्ज करके देखो, अगर नहीं हुए तो बीच में से कोई, सॉरी इन दोनों या इन दोनों में से गलत है, मर्ज हो गए तो बीच में से कोई गलत है। ये आपका 49th नंबर सीरीज था गाइस, ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 50 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। लास्ट सीरीज आपकी 16, 9, 2, 7, 8, 1, 5, 1, 0, 9, 1, 8, 4, 84 और 2, 0, 1, sorry, 2, 0, 2, 1, 2, रॉन्ग वन आउट। अब जैसे मैंने ना इस तरह की सीरीज बहुत नोटिस की है, तो बच्चा क्या गलती करता है, तुरंत देखता है कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है, पर बेटा देखो पहला नंबर छोटा और ये इतना बड़ा, और फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा है वन से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, तो पहले कोई बड़ा नंबर ऐड हो गया, फिर धीरे धीरे वो नंबर छोटा ऐड होता गया, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ये तो श्योर है, पर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हो तो इन दोनों में से कुछ एक रहेगा, पर वो प्लस हो रहा है सर ये श्योर है। प्लस माइनस होता है तो मैंने बोला है बच्चों गैप चेक करो ज्यादा सही रहेगा, गैप चेक करते हैं, यहां गैप आ रहा है 9, 2 और 6, 2 का, एग्जैक्टली 9, 2, 6, 2 का, 16 है और ये है 9, 2, 7, 8, यहां पे गैप आ रहा है 9, 2, 6, 2 का, पर बेटा अगर यहां पर एक नंबर गलत है, ये चीज अपने माइंड में लेके चलना, ठीक है, एक नंबर गलत है, अब 9, 2, 6, 1 हमारा 21 का क्यूब भी होता है, 9, 2, 6, 1 21 का क्यूब भी होता है, तो हो सकता है कि भाई साहब यहां पे 21 का क्यूब ऐड हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि 21 का क्यूब प्लस 1, तो एक बार मैं यही चेक करता हूं कि क्या अब तक क्यूब चल रहा हो 21 का क्यूब, एक गैप पीछे से भी निकाल लेते हैं ताकि हो सकता है कोई आपको लॉजिक मिल जाए, तो यह आया 8 और इधर से अगर माइनस करते हैं 2, 7, 1, देखो गाइस ये होता है 12 का क्यूब, देखिए 12 का क्यूब मतलब कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, तो ये 21 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, तो डैम श्योर है यहां 18 का क्यूब और यहां 15 का क्यूब, तो गाइस 3-3 कम हो रहा है, 21 का क्यूब, फिर 18 का क्यूब, फिर 15 का क्यूब, फिर 12 का क्यूब, सो गाइस इसका मतलब यहां पर 9, 2, 6, 1 ऐड होना चाहिए, तो ये नंबर 9, 2, 7, 7 होना चाहिए, और इन्होंने 9, 2, 7, 8 लिखा है, मतलब ये नंबर जो है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर डाउट लगेगा तो 18 का क्यूब निकाल के ऐड करके देख लीजिएगा, आपको अपने पता लग जाएगा कि हाँ हम सीरीज सही कर रहे हैं या मैं सीरीज गलत कर रहा हूं। यहां पर याद रखना 7 आना चाहिए, 7, ठीक है, ताकि आप इसको आगे सॉर्ट आउट करके देख सको। वैसे भी 18 का क्यूब करोगे पीछे 2 आएगा और 2 7 में ऐड होगा पीछे 9 आ जाएगा। सो ये आपकी सीरीज पांचों हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे पास आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और उसके बाद डीआईएफ, फिर देखते हैं, पहले मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए गाइस पांचों सीरीज देख ली, पांचों अप्रोक्सीमेशन देख लिए, एक डीआई देख लिया, अब कुछ 5 क्वेश्चन है मिसलेनियस के और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, जो आपके पास क्वेश्चन तो स्क्रीन पे भी आ ही रहा है और आपके पास जिसके पास टेस्ट होगा उसके पास तो है ही है। तो क्वेश्चन है 26,000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 2994.134 है 3 ईयर्स में, और हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, 5, 22%, 17%, 19%, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज। चलिए एक चीज क्लियर, कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज का भी हमें पता नहीं है। तीन ऑप्शन जो दे रखे हैं 22%, 17% और 19%, दोनों का इन तीनों में से मिड टर्म क्या है 19 के थ्रू चेक कर लेते हैं, 19 के थ्रू अगर नहीं आया, कम आ रहा हुआ तो बड़े वाला ऑप्शन उठा लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। अगर 19 के थ्रू एग्जैक्ट नहीं आता और थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो कम वाला उठा लेंगे, 17 नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज होगा, मतलब दो ऑप्शन चेक करने हैं, क्या अब तक पहला ही हिट कर जाए।
आपको पता नहीं आपने किस तरीके से सीखा, तो आप इस तरीके से हैंडल करिए, फर्स्ट ईयर के लिए एक स्लैब, सेकंड ईयर के लिए दो स्लैब और थर्ड ईयर के लिए तीन स्लैब, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये पोर्शन होता है सिंपल इंटरेस्ट को शो करता है, और ये तीनों का टोटल जो होगा ये शो करेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को, जो हमें ये चाहिए। हम हिट एंड ट्रेल के थ्रू जा रहे हैं, वैसे किसी और मेथड से जाओगे बहुत लेंदी चला जाएगा सर, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, सारा जोड़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होता है थ्री ईयर का डिफरेंस, तीनों को जोड़कर थ्री ईयर का डिफरेंस हमें इतना चाहिए। हम लेट कर रहे हैं कि रेट क्या पता 19% हो तो उठाते हैं, प्रिंसिपल 26,000 और इसका 19% आपको यहां रखना है, या तो इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, इसका 20% निकालो और इसका 1% इसमें से क्या कर दो, माइनस 19% बचेगा, या इसका डायरेक्ट 19% यहां लिख दो, 19 into 0 19 19 into 6 114, और ये आ गया 4940। ये आपका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, साथ में ये भी सीख जाओगे, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का सेम, सारा होता है कंपाउंड जोड़कर, और ये होता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका 19% आपको यहां रखना है, अगर लेंदी लगे तो मैं बोल रहा हूं इसका 20% निकालो और इसी में इसका 1% उसमें से माइनस कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। तो देखो इसका 20% निकालो 988 आएगा, इसका 20% 988 आएगा, और इसका 1% 49.4 माइनस कर दो, इसका माइनस करके 398.6 इसका 19% ये आ गया। सही गेम है, जैसे मर्जी खेलो। अब इन दोनों का 19% यहां आएगा, पहले इसका 19% ये रहा, अब इन दोनों का 19% यहां आएगा, मतलब इसका डबल, इसका डबल कर दो सीधा, 12 18 और 17, और ये भी 7, ये आ गया 1877.2। तो अब इसका 19% यहां निकाल लो, तो वही गेम खेलो, इसका 20% माइनस इसका 1%, तो इसका 20% गाइस निकाल लेते हैं, मतलब इसका पांचवा हिस्सा, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 निकाल लो, पहले 1 पे गया बचा 4 और 3, फिर 8 पे गया बचा 3 और 8, फिर किस पे गया 7 पे और बचा 3 और 6, फिर किस पे गया 7 और फिर 2 पे, और इसका जो 1% होगा वो होगा 9.386, माइनस कर दीजिए, सो गाइस 4, ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया आपके पास 6 में से 3 गया 3, और ये 8, 178.334, ये आपके पास इसका 19% आ गया। अब ये होता है SI, सारा होता है CI, और इन तीनों का टोटल डिफरेंस को शो करता है, ऐड करके देख लेते हैं गाइस, इनको ऐड करें अगर 1877.2, 938.6, 178.334, सो गाइस 4 3 1, 16 और 7 23 24, तो वही ऐड करके 0.134, और आगे ऐड करें तो 299 एग्जैक्ट डिफरेंस आ गया थ्री ईयर में। इसका मतलब अपना जो आंसर है वो कितने परसेंट आ गया, 19। अब बच्चे के दिमाग में पता क्या घूम रहा होगा, अच्छा इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, टर्म 10% भी हो सकती थी, 20 भी होती थी, हमारी आदत है 10-20% मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, अब 19% आया। कितना सही तरीका है कि सीएनडी है नहीं, नन ऑफ दीज हो सकता है, तो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पहले मिड वाला चेक कर लो, अगर इससे डिफरेंस ज्यादा आता तो आंसर कम वाला होता, चेक कर लेते, नहीं मैच करता तो नन ऑफ दीज, अगर इससे कम होता तो आंसर 22 चेक कर लेते, उससे ज्यादा आता मतलब उससे भी मैच नहीं करता तो आंसर नन ऑफ दीज होता, पर हमने 19 चेक किया, 19 ही सेटल हो गया सर, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। डन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 52 पे हमें क्या डिस्कस करना है। 52 क्वेश्चन है सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, अरेंजमेंट का।
क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से देखना। मैथ्स की बुक 4 है, रीजनिंग की बुक 3 है और इंग्लिश की बुक भी 4 है। तीन तरह की बुक्स हैं सर, 4 मैथ्स की, 3 रीजनिंग की, 4 इंग्लिश की। बोला इन हाउ मेनी वेज, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जाए कि मैथ्स की बुक इकट्ठी आए। टोटल बुक्स हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर से 10 और एक 11। मैं वैसे डायरेक्ट समझाता बट ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काउंट कर रहा था कि आप 11 हो। बोला मैथ्स की चारों बुक एक साथ हो। लीजिए गाइस, मैंने मैथ्स की 4 बुक M1, M2, M3, M4 ये एक बॉक्स में बंद कर दी। अब ये बॉक्स जहां भी जाएगा इकट्ठा जाएगा सर, ये कहीं और नहीं जाएगा, मतलब ये अभी एक बॉक्स काउंट हो गया। हां अंदर किताबें जरूर हैं पर अब एक बॉक्स 4 सीटों वाला इकट्ठा एक ही सीट की तरह काउंट होगा क्योंकि बोल रहा है कि मैथ की चारों बुक एक साथ आए। इसके बाद डायरेक्ट भी बताता हूं बट ये कंसेप्ट है जो आप सीख जाओ तो बढ़िया है। 4 सीटें उठ के यहां आएंगी इकट्ठी पर अब ये एक बॉक्स हो गया, बस इसको आप एक काउंट करके चलो। एक सीट ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये हो गई, तो 1 और 7, 8 सीटें, 8 जगह पे अरेंज होंगी तो आप उसको लिखोगे कि 8 सीटें 8 जगह पे अरेंज होगी। अरेंज के लिए परमुटेशन लगता है और 8P8 का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल, कि 8 चीजें 8 जगह पे अरेंज होंगी तो 8 फैक्टोरियल हो गया गाइस। और अब ये तो डन हो गया कि 8 चीजें 8 फैक्टोरियल, पर ये अंदर वाली 4 जो मैथ्स की बुक है इनके पास अंदर तो 4 सीटें हैं, ये अपनी जगह तो इंटरचेंज करेंगी, तो 4 जगह 4 चीजें, तो वही बच्चे 4P4 कि 4 जगह पर 4 किताबें अरेंज होंगी, तो 4P4 का मतलब भी क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 40320, वही 8×7×1 तक मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या 24। तो इसको कैलकुलेट करके मेरे ख्याल से आंसर 96 के आसपास आना चाहिए स्टार्टिंग में। तो एक पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 967680, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 0, 48, 76, 96 लो गाइस आंसर है, एग्जैक्ट मैच कर गया, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर इसे डायरेक्ट करना था, मान लो आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो क्या करते हैं, ऑल द मैथ्स की बुक जो है, ऑल बुक्स कम्स टूगेदर, तो इनको एक लेट कर लो, एक ग्रुप 3, 4, 7 और 1, 8 8 चीजें 8 प्लेस 8 फैक्टोरियल, और ये 4 चीजें एक बॉक्स के अंदर आपस में इंटरचेंज होगी, तो 4 फैक्टोरियल इसके लिए डायरेक्ट आप कर सकते हो। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ ये मैथ की बुक के लिए कंसेप्ट है। मान लो मैं अपना नाम लिखता हूं मनीष, बोला मनीष के वोवल सारे एक साथ आने चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो दोनों वोवल को 1 लेट कर लो, बाकी लेटर बचे 4, चारों रे किए, जैसे 1, 3, 4, 7 ये 8 हो गए, तो 1 इनको लेट किया, 4 ये हो गए 5, तो 5 चीजें 5 जगह 5 फैक्टोरियल, और 2 वोवल आपस में इंटरचेंज करेंगे 2 सीटों पर 2 फैक्टोरियल, ये वेज आ गए मनीष के ऑल वोवल कम्स टुगेदर। इसमें तो ये भी देखना पड़ता है कि कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ रिपीटेशन देखनी नहीं है, स्टिल इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो वो जब कभी सामने क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर, क्या है, किस तरीके से आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 53 टाइम एंड वर्क का, 6 चिल्ड्रन 6 मैन एक काम को, 6 चिल्ड्रन और 6 मैन एक काम को कर सकते हैं मिलकर 6 डेज के अंदर। बोला कितने दिन में 15 मैन अलोन इस काम को कर देंगे, क्यों कि अगर 9 चिल्ड्रन इसको अकेले 10 दिन में कर सकते हैं। गाइस 6 चिल्ड्रन और 9 मैन 6 डेज, और लिखा है 9 चिल्ड्रन इस काम को 10 डेज में कर सकते हैं। आप क्या करो, 6 चिल्ड्रन के डेज निकाल के यहां कंपेयर कर दो,
आंसर आ जाएगा। देखो, 9 चिल्ड्रन 10 डेज में कर सकते हैं, मैं यहां से 6 चिल्ड्रन के डेज निकाल लूंगा। ध्यान से सुनना, 9 चिल्ड्रन 10 डेज तो 1 चिल्ड्रन, बच्चे कई बार तो बच्चा कहता है 10/9, अरे जब एफिशिएंसी, जब चाइल्ड कम होंगे तो एफिशिएंसी कम होगी तो दिन क्या होंगे ज्यादा, तो 9 चाइल्ड 10 डेज में तो 1 चाइल्ड कितने में 90 डेज, और अगर मैं 6 चाइल्ड का निकाल लूं, क्योंकि देखो अगर एक क्वेश्चन है कि ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, और अगर मुझे यह पता लग जाए कि बी अकेला इतने दिन में करता है तो मैं ए अलोन का भी निकाल लूंगा, तो हमें 6 चाइल्ड और 6 मैन का 6 डेज पता है, और 9 चाइल्ड 10 डेज में करते हैं तो 1 चाइल्ड 90 डेज, मैं 6 चाइल्ड का निकाल के कंपेयर कर दूंगा, तो 6 चाइल्ड कितने डेज में भाई 15 डेज में, 9 चाइल्ड 10 डेज, बंदे कम हुए तो एफिशिएंसी कम हो गई, 90 डेज 1 चाइल्ड और 6 चाइल्ड 15 डेज, तो गाइस अब कंपेयर करो 6 चाइल्ड 15 डेज, अब इनका ले लो एलसीएम 30 आ गया ये टोटल वर्क, अब इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, 6 चाइल्ड 6 मैन 6 डेज में 30 वर्क, तो एक डेज में कितना 5 एक दिन के अंदर, और एक दिन के काम को एफिशिएंसी भी बोलते हैं, 6 चाइल्ड 15 डेज में 30 वर्क तो एक दिन में कितना 2, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 6 चाइल्ड और 6 मैन की एफिशिएंसी 5, 6 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी 2, तो 6 मैन की एफिशिएंसी 3 हो गई, सर साफ साफ दिख रहा है, ए और बी 5 करते हैं मान लो, और ए 2 करता है तो बी 3 करेगा, तो 6 चाइल्ड और 6 मैन 5 करते हैं, 6 चाइल्ड 2 करते हैं तो 6 मैन एक दिन में 3 करेंगे, और हमें बताना है कि 15 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वह निकल आएगा, तो 6 मैन की एफिशिएंसी 3 है, ध्यान देना 6 मैन की एफिशिएंसी है 3, 3 यूनिट, तो 1 मैन की एफिशिएंसी हो गई 0.5 यूनिट, और हमें यह काम कराना है 15 मैन से, तो 15 मैन की एफिशिएंसी जो है वो 7.5 यूनिट हो गई, तो 15 मैन एक दिन में 7.5 काम करते हैं तो 30 काम को करने के लिए वो कितने दिन लेंगे भाई 4 दिन। तो क्वेश्चन जब आप खुद करोगे तो कुछ भी नहीं है, लेंदी नहीं है, ये जस्ट होता है एक टीचर का फर्ज होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, इसलिए लिखा है। तो भाई 9 चाइल्ड का पता था, 6 चाइल्ड का निकाल के कंपेयर किया, तो 6 चाइल्ड और 6 मैन की एफिशिएंसी 5, 6 चाइल्ड की 2 तो 6 मैन की 3, तो 6 मैन की 3, 1 की 0.5, तो 15 मैन कितने में करेंगे, तो भाई 15 मैन की एफिशिएंसी जो है वो आ गई 7.5, तो 30 काम को वो 4 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया भाई, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर, इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप इसको रिपीट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें डिस्कस करना है। 54 है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। जावेद कुछ पैसा उधार पर लेता है 4% पे पहले 3 साल के लिए, 8% पे अगले 2 साल, और 9% पे बियॉन्ड 5 ईयर, और बियॉन्ड का मतलब होता है पिछला टाइम इसके अंदर ऐड होता है जितना भी वो कैलकुलेट कर रहा है। देखिए पैसा उसने सेम लगा रखा है, और पहली बात एक चीज याद रखना, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, और प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम रहता है। तो लेट कर लो कि उसने 100 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है जावेद ने लेट कर लो 100 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान से सुनना, ठीक है, पहले 3 साल के लिए तो 4% पे, तो 100 का 4% 4 यूनिट, ये मेरा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 12 यूनिट आ गया। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, पहले 3 ईयर 4% पे था, 100 का 4% 4, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 ईयर का 12 आ गया, ये 12 यूनिट ले लिया मैंने, 12 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 साल का, क्योंकि हर साल का सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर का 4 और 3 ईयर तक रेट 4 ही थी, तो 3 ईयर का 12। फिर है नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 8%। गाइस
100 का 8% 8 यूनिट, और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो अमाउंट पे ब्याज मिलता, पर ये सिंपल है तो हमेशा प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलेगा 100 पे। तो 8% जो इंटरेस्ट है वो 2 ईयर के लिए रहा, तो 100 का 8% 8 यूनिट, तो 2 ईयर में कितना गाइस 16 यूनिट, ठीक है। और फिर 5 ईयर तो निकल गए। अब बोला 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, और बियॉन्ड 5 ईयर का मतलब क्या है गाइस, अब आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर पे पढ़िए जरा, वो 7 ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, 5 ईयर आपके कवर हो चुके हैं, 9% का जो इंटरेस्ट है वो लोग लगा दीजिए। कितने ईयर के लिए सर? 2 ईयर के लिए। और गाइस 100 का 9% 9 यूनिट, तो 2 ईयर में इंटरेस्ट 18 यूनिट, क्योंकि 7 ईयर थे, 3 ईयर 2 ईयर 5 ईयर, और वो 9% भी 2 ईयर के लिए 7 ईयर हो गया, और ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसको ऐड कर लीजिए 12 और 16 28, 28 और 18 46, और 46 यूनिट की वैल्यू 19550, ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया गाइस। टोटल इंटरेस्ट 46 यूनिट, और टोटल इंटरेस्ट ये देख रखा था हमें निकालना भी कितना पैसा, हाउ मच मनी ही बोरोड। 46 यूनिट की वैल्यू पता है और 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो पहले 1 यूनिट की निकालो, 19550 बाय 46, 23 पे डिवाइड करते हैं, 23 पे 2, और 23 इंटू 8 अगर किया जाए तो मेरे ख्याल से आपके पास 184 आ रहा है, 23 इंटू 4 सॉरी 8 184 आ रहा है। तो ये पहले तो 23 इंटू 8, और इसमें से 184 जाएगा, 11 बचेगा, 11 और 5 115, और ये मतलब 850 पे डिवाइड हो गया। अब 2 पे गया तो 425, तो 1 यूनिट 425 और 100 यूनिट 42500 आपका सेकंड ऑप्शन। तो बियॉन्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है कि लास्ट में बस उतने ईयर ही कवर करो जितने लास्ट में टोटल मांग रहा है, ठीक है। तो ये 3 ईयर 2 ईयर बियॉन्ड 5 ईयर था, बट लास्ट में 7 ईयर का इंटरेस्ट दे रखा था, तो 5 ईयर हो चुके थे, लास्ट वाला 2 ईयर के लिए लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट 55 पे, देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 112 मीटर, मतलब उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी रेडियस बराबर है एक वर्ग की साइड के जिसका पेरीमीटर 112 है। देखिए स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती हैं, पेरीमीटर क्या होता है सब साइड को जोड़ लेना, पेरीमीटर क्या होता है सब साइड को जोड़ लेना, चारों साइड इक्वल है। पेरीमीटर अगर आपको 112 दे रखा है, ये चारों साइड का टोटल होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, अपनी जो ईच साइड है वो 28 आ गई, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला पता होनी चाहिए, मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती कभी, बैंक वाले में तो खासकर। अब बोला अब सर्कल का एरिया बताओ जिसकी रेडियस इसकी साइड के बराबर है, ये साइड आ गई, यही सर्कल की रेडियस हो गई, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ कि इसकी रेडियस वही है सर्कल की जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड 28, तो इसका जो रेडियस है वो आपके पास 28 और 28 मीटर, ये भी याद रखना, तो ये साइड भी रेडियस जो है 28 मीटर, और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, अप्लाई कर दो 22/7 और इंटू 28 इंटू 28 रेडियस का स्क्वायर, 7 से 4, अब आपका आंसर 88 इंटू 28 आपको करना है, ठीक है, और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। दो मैं तो बहुत सिंपल सी गेम खेलने वाला हूं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दूंगा, या फिर इसको डायरेक्ट 28 से करो, दो ही चीजें। तो 28 इंटू 8 224 होता है, 4 आ गया, 22 बच गया,
और 28 इंटू 8 224 और 22 246 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में होता है सर, तो आपके पास जो आपका एरिया है सर्कल का वो 2464 मीटर स्क्वायर आ गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट डीआई पे बात करेंगे जो हमें नेक्स्ट देखनी है। चलिए गाइस देखिए, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 56 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डीआई है एक, इसको बना नहीं सकता हूं मैं पर आपके सामने है, आप ध्यान दीजिएगा सर। इसको बोलते हैं सर राडार ग्राफ, और बहुत इजी होता और आता भी है अक्सर, क्वेश्चन पूछेगा एवरेज रेशियो परसेंटेज। तो पांच मोबाइल कंपनी दे रखी हैं जो मोबाइल बेचती हैं 17 और 18 में, और एक फुल लाइन है जिसमें कट है और एक कंप्लीट लाइन है जिसमें कट नहीं है, एक 17 की बात कर रहा और एक 18 की। गाइस बहुत इजी होता है, जब कंफ्यूजन हो इसमें वैल्यू बाहर से काउंट करो, जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा बाहर से काउंट करिए, पहली 40 फिर 35 फिर 30 फिर 25 फिर 20 फिर 15 फिर 10 फिर 5 और फिर 0, जैसा कि पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिनोवो सोल्ड लिनोवो, मतलब जो लिनोवो के फोन बेचे गए और जो रेडमी बेचा गया, ये बोल रहा है 2018 ये 2017, बहुत इजी है, रेशियो निकालना है क्वेश्चन देख के। तो 2018 की लाइन है डार्क वाली जिसमें कोई कट नहीं है, और बात हो रही है लिनोवो, लिनोवो को अगर आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन 40 पे है, आउटसाइड से काउंट करना शुरू करो और वैल्यू 1000 में है, रेशियो निकालना तो 1000 लेने की जरूरत नहीं, 40,000 है 40 मतलब, ठीक है, लिनोवो में 40 फोन सोल्ड हुए 2018 में। अब रेडमी 2017 की लाइन है कट वाली, रेडमी में जाइए लिनोवो के राइट साइड में है 35 पे है, बाहर से काउंट करिए, पहली लाइन है 40 जिसपे कुछ भी नहीं है, दूसरी लाइन है जिसपे वो लाइन आ रही है वो 35, तो 35,000 40,000 रेशियो सोल्ड लिनोवो और सोल्ड रेडमी, लिनोवो 18 में रेडमी 17 में, दिस इज द 8:7। बाकी आप ग्राफ से देखिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल कंपनीज जो मोबाइल उन्होंने बेचे हैं 2018 में, एवरेज क्या है, बहुत इजी है, क्या करना है, सब कंपनी के 2018 के जो फोन बिके हैं वो ऐड कर लो, और कितनी कंपनी है 6 से डिवाइड कर दो। गाइस पहली चीज 2018 की लाइन है जिसपे कोई कट नहीं है, तो ऐसा चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले हम बात करेंगे नोकिया फिर सैमसंग फिर एप्पल फिर माइक्रोमैक्स फिर रेडमी फिर लिनोवो। तो नोकिया में बाहर से काउंट करो, 40 पे लाइन नहीं है, 35 पे लाइन नहीं है, 30 पे है, मतलब नोकिया में 30,000 यानी 30 फोन आप पूरा लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो नोकिया में 30,000 फोन, और अगर पूरा नहीं लिखोगे तो बाद में 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चिंता ही नहीं है, तो 30 फोन नोकिया में सोल्ड हुए। अब आओ सैमसंग, 40 पे नहीं है, 35 पे नहीं है, 30 पे नहीं है, आप देखिए गौर से 25 पे है, तो सैमसंग में 25,000 फोन बिके। एप्पल पे आओ, 40 पे नहीं है, 35 पे नहीं है, 30 पे नहीं है, 25 पे नहीं है, 20 पे भी नहीं है, 15 पे है, कोई टेंशन नहीं है, देखते रहो, चाहे अंदर से काउंट करो बाहर से काउंट करना ज्यादा इजी होता है जिसने कभी नहीं किया, ये एप्पल भी हो गया। माइक्रोमैक्स में जाओगे तो एप्पल से एक स्टेप कम है, आप रिलेट करिए, एप्पल में 15 उससे एक स्टेप कम है, उसे एक लाइन कम पे आपका माइक्रोमैक्स, ठीक है, तो एक लाइन कम पे, और उसको क्या बोलेंगे फिर 10, फिर सिंपल हो गया। और एक लाइन माइक्रोमैक्स से ज्यादा एक लाइन रेडमी पे है, मतलब फिर से 15, और फिर बचा आपका लिनोवो, और वो तो हम पहले ही देख चुके थे कितने 40। तो अगर ये चीज आप देखोगे ग्राफ पे तो आपको खुद दिखेगी, इनको ऐड कर लेते हैं, 70 और 10 80 और 40 120 और 135 और डिवाइड बाय क्या 6 और इनटू में कितना 1000, क्योंकि भाई 1000 में है सब फोन, हमने 1000 लिखा नहीं था, एवरेज निकाली, तो 3 से गया 45 और 2 से गया कितना 500, मल्टीप्लाई कर दो 22500, ये एवरेज आ गया
2018 में जो फोन कंपनीज ने बेचे, सारी कंपनी ने, लिनोवो हो, चाहे वो आपका माइक्रोमैक्स हो, चाहे वो आपका एप्पल हो, 2018 के सब कंपनी के द्वारा बेचे गए सेल फोन का आपका एवरेज आ गया 1000, बाद में लिखा, बाद पहले लिखते तो ऐड भी करते, टाइम लगता, हमने बाद में लिख दिया, इनटू कर दिया 1000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, कि क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 2018 में जो माइक्रोमैक्स बिके, माइक्रोमैक्स 2018 में जो बिके, वो कितना परसेंट लेस है 2017 के सेम कंपनी के मोबाइल, मतलब सेम कंपनी का माइक्रोमैक्स के 2017 के फोन से। 2018 माइक्रोमैक्स के सेल फोन कितना परसेंट कम है 2017 के माइक्रोमैक्स के फोन से। तो 2018 डार्क लाइन है, माइक्रोमैक्स पे जाइए, आपको दिख रहा है 10,000, 10 ही ले लो क्योंकि आंसर परसेंटेज में निकालना है 10। और 17 में जो कट वाली लाइन है माइक्रोमैक्स की, बाहर से काउंट करो, 40 पे नहीं है, 35 पे नहीं है, 30 पे नहीं है, 25 पे है। तो माइक्रोमैक्स में 10 फोन यहां और 25 फोन यहां। क्वेश्चन है यहां फोन जो बिक रहे हैं वो इससे कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन ये भी हो सकता था ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, तो बेस ये होता, पर क्वेश्चन है ये इससे कितने परसेंट कम है, तो ये कम है 15, किससे 25 से, इनटू 100 यानी 60%। कि माइक्रोमैक्स 2018 में जो फोन बेचता है वो 60% कम है माइक्रोमैक्स 2000 किससे, 17 से। ठीक है, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन डीआई के अंदर परसेंटेज एवरेज यही सब आता है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझो जिंदगी बन गई, क्योंकि बहुत इजी इजी होता है सब। अब बात करते हैं 59th पे। 59th क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है एप्पल, बस एप्पल, लिनोवो और सैमसंग जो बेचे 2018 में, और नोकिया, माइक्रोमैक्स और रेडमी जो बेचे 2017 में। टाइम बचाने के लिए डिनोट कर सकते हो बस एप्पल, लिनोवो, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स, रेडमी। 2018 में ये कितने बिके और 2017 में ये कितने बिके, इनका डिफरेंस बताना है। सो गाइस पहले ऐड करते हैं 2018 में एप्पल, लिनोवो और सैमसंग। 2018 में एप्पल देखिए जरा, 15 दिख रहे होंगे आपको, 15 एप्पल 2018 में 15। अब 2018 में लिनोवो 40, कोई टेंशन नहीं है, और 2018 में सैमसंग 25, ये आप देख सकते हो। तो टोटल 80,000 आपके फोन एप्पल, लिनोवो और सैमसंग के 2018 में, और नोकिया, माइक्रोमैक्स और रेडमी 2017 में ये कितने बिके। रेडमी कट वाली लाइन जो 2017 की है, रेडमी में 35, चलो नोकिया देखते हैं पहले वन बाय वन, तो नोकिया में है 10, फिर आई बारी माइक्रोमैक्स की, 40 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 25 है, और फिर बारी आई सर रेडमी की, तो रेडमी में 35 है, तो ये हो गया 70, ऐड कर लो तो डिफरेंस 10 का यानी 10,000 का। तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको, जस्ट देखना है क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा क्या मुद्दा है क्या नहीं, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर जो है वो हो गया आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द टोटल मोबाइल सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर इन 2017। बहुत इजी है, 2017 पहले 2018 पे क्वेश्चन था एवरेज का, पर इसमें तो टोटल बताने हैं कि 2000 में कितने बिके, एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लिनोवो, रेडमी, नोकिया। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए लिख देता हूं। एप्पल कट लाइन 2017 में 5000,
अब माइक्रोमैक्स पे आओ 25, माइक्रोमैक्स 25, सैमसंग पे आए तो 15 है, लिनोवो पे आए तो 40 नहीं है, 35 नहीं है, 30 नहीं है, 25 है, रेडमी पे जाएं तो 35 है और नोकिया पे जाएं तो 10 है, ऐड कर लो 20 और 50, 70, 70 और 45 क्या 115, 1000 में निकालना है तो 115000, ये आपका आंसर आ गया और इसका भी आंसर जो है नन ऑफ दीज और इससे लास्ट का आंसर भी क्या था नन ऑफ दीज। तो अब बात करते हैं आगे मिसलेनियस स्टार्टअप। चलिए गाइस, अब हमारे पास दो डीआई डिस्कस कर ली, पांच नंबर सीरीज हो गए, पांच अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए जिसको मिसलेनियस क्वेश्चन भी बोलते हैं और सीरीज सिंप्लीफिकेशन भी हो गए। तो अब पांच अरिथमेटिक के क्वेश्चन यानी मिसलेनियस के क्वेश्चन और आए जिसमें से क्वेश्चन नंबर 61 है पहला। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 6:11 है और 4 ईयर अगो ये रेशियो 1:2 था और हमें बी की एज बतानी है 5 साल बाद क्या होगी। ऑप्शन सी एंड डी भी है पर निकल जाएगा सर, वो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इनका वर्टिकल गैप बराबर कर लीजिए, यहां 5 है यहां 9 है, बराबर नहीं है, चिंता नहीं करनी। बराबर का मतलब दोनों साइड 1, दोनों साइड 2, दोनों साइड 20, बट इक्वल। इक्वल नहीं है तो इनका हॉरिजॉन्टल गैप चेक करो, 1 है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका हॉरिजॉन्टल गैप 5 है, नीचे 5 से करेंगे। तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 6:11 हो गया और 4 ईयर अगो का रेशियो जो है वो 5:1, 5, 5:2, 10। तो देखो गाइज, दोनों का वर्टिकल गैप इक्वल हो गया 1:1 यूनिट। तो ए की और बी की एज दोनों की 1 यूनिट डिक्रीज हो गई। और बताइए, ये प्रेजेंट एज का रेशियो, ये 4 ईयर अगो का, तो दोनों का 1 यूनिट डिक्रीज होने का कारण है कितने ईयर सर, 4 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 11 यूनिट की वैल्यू 44, ये बी की प्रेजेंट एज आ गई, बी की प्रेजेंट एज। और हमें बतानी है 5 ईयर आफ्टर क्या होगी, तो आज 44, तो 5 ईयर आफ्टर बी की एज क्या 49। तो ये रेशियो एज ये बहुत जगह काम आएगा, ये मेथड प्रॉफिट लॉस में, ये मेथड आपको एवरेज में, बहुत सारे क्वेश्चन है अगर सामने आएंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, बहुत जगह पे आपको ये काम आएगा सर, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एरिया का। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 88 एंड 220 मीटर। दो सर्कल है, सर्कल 1, सर्कल 2। सर्कमफ्रेंस इनका हमें दे रखा है, सर्कमफ्रेंस इनका हमें गिवन है, एक का 88 मीटर और एक का 220 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक का 88, एक का 220। देखो मैंने पहले बताया था मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूला आना जरूरी है, रेशियो वेशियो नहीं सर, फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2πr, मतलब 2πr इक्वल्स टू 88 और इधर भी 2πr इक्वल्स टू 220, ये सर्कल का होता है गाइस सर्कमफ्रेंस। यहां से रेडियस निकल आएगी और उन्होंने पूछा क्या है, इनके एरिया का डिफरेंस, यहां से रेडियस निकालो फिर एरिया कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 22/7 इक्वल्स टू रेडियस 88, 44 पे गया 2, रेडियस 14 और 2 × 22/7 × रेडियस ये आ गया आपके पास 220, 44 से गया 5 और रेडियस बराबर क्या 35। बस अब हमें एरिया का डिफरेंस निकालना है, इसका एरिया भी निकाल लो, इसका एरिया भी निकाल लो। और एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड एज पाई आर स्क्वायर। पुट करो 22/7,
14 × 14, 22/7, 35 × 35. अब यहां से आप इनका एरिया का डिफरेंस निकाल लो, ये गया 2 पे, ये हो गया 44 और इनटू क्या 14, तो 56 और 5, ये कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। ये गया 5 पे 110 × 35, तो गाइस मल्टीप्लाई 0583 मीटर स्क्वायर, और हमें इनका डिफरेंस बताना है। आप 3850 में से 616 को क्या कर दो माइनस, तो बचेगा 3334 मीटर स्क्वायर। आपको इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बचेगी नहीं, सॉरी 3300 बोल रहा हूं मैं, 3234 मीटर स्क्वायर। और आपका ये ऑप्शन इसमें है नहीं हालांकि, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, ये 3850 और बाकी आपके पास जो यहां पर हमने देखा 616 मीटर स्क्वायर एरिया और 38510, तो उसके बाद आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3234 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम बात करते हैं इसके 63 क्वेश्चन पे नंबर पे। अब अगर 63 क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले एक चीज दिमाग में रखना, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, उसके लिए याद क्या करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला रट लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या गाइस, देखिएगा ये भी आपका मेंसुरेशन पे है, तीसरा क्वेश्चन, एक पहले आ चुका है, दो ये रहे। वन ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3, एक ट्रायंगल है ए बी सी, टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के होंगे, पता होता है सर जनरल। वो बोला ट्रायंगल का एक एंगल 2/3 है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के एंगल के टोटल का। देखिए अगर पैरेललोग्राम की बात करें ए बी सी डी, फिर सुन लेना, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है ठीक है उसका टोटल 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो उसी पे आते हैं, उसका टोटल 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का, उसका टोटल 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। शायद मैंने साइड बोल दिया एक ही बार, बट हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, उनके एडजेसेंट एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है, और इसका 2/3 हमारी एक ट्रायंगल का एंगल है। तो सर 60 ये हो गया 180 डिग्री, तीनों में से एक एंगल कोई भी एक 180 डिग्री का है। और अब बोला कि रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन 5:7, भाई मान लो ये 120 डिग्री है, एग्जांपल है जनरली, तो ये दोनों जो हैं ये 60 डिग्री के हुए और इसका रेशियो दे रखा है 60 डिग्री को बांटने का 5:7 की, जो ट्रायंगल के रिमेनिंग एंगल हैं उनका रेशियो 5:7 है, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट तो यही होगा, सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए इस रेशियो में 60 डिग्री को बांट दो, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 60, तो 1 की 5, तो 5 की 25 डिग्री, 7 की 35, तो एक एंगल 120 डिग्री का, एक 25 डिग्री का, एक 35 डिग्री का, तो सेकंड लार्जेस्ट 35 डिग्री, लार्जेस्ट 120 डिग्री, सेकंड स्मॉलेस्ट 35 डिग्री, तो सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा था 35 डिग्री आपका आंसर। तो बीच मैंने एडजेसेंट साइड का यूज कर दिया होगा, बट एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है और पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। सो अपने क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास एक नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन। स्नेहा, लता और सरिता, स्नेहा और लता और
सरिता के बारे में एक लाइन लिखी है कि स्नेहा ज्यादा 20% ज्यादा इन्वेस्ट करती है लता से और लता 10% कम इन्वेस्टमेंट करती है सरिता से। तो पहले तो ऐसा करो, लता और सरिता के बीच रिलेशन बना दो। लेस वाली चीज आपको समटाइम्स कंफ्यूज करती है, तो लेस वाली के साथ पहले खेल लीजिए। लता 10% कम करती है इन्वेस्ट सरिता से, मतलब सरिता 100 तो लता 90, क्योंकि 10% कम है। लता 10% कम इन्वेस्ट करती है सरिता से, तो सरिता 100 तो लता 90। और स्नेहा 20% ज्यादा इन्वेस्ट करती है लता से, लता 90 से 20 ज्यादा नहीं, कहीं 110 कर दो, 20%, और 90 का 20% होता है 18, तो इसने इन्वेस्ट किए 108। और अब आप इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिए, 2 से 59, ठीक है, सॉरी 59 बोल रहा हूं, 54, 2 से ये 45 और ये कितना भाई 50 रेशियो आ गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट 17880 दे रखी है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब गाइस इस इन्वेस्टमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर दो और हमें सरिता की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग उसका रेशियो ऊपर रखेंगे। एक तो क्या है कि इनको जोड़ के इसके बराबर कर दो फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, या इसको ऊपर रख दो जिसकी वैल्यू चाहिए, नीचे सबका टोटल, इन दोनों को जोड़ो 149 और इनटू में 17880 आप डिवाइड करो, आपके पास वैल्यू निकल आएगी। आपको सरिता का आंसर निकालना था और आप सरिता की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपको लता का पूछा होता, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे ऊपर लिख दो, नीचे सबका टोटल 149 और इनटू 17880 आप यहां से लता की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप स्नेहा की वैल्यू निकालो, आप लता की वैल्यू निकालो, उससे आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो किसी की भी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। तो अगर आप इस पे ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितने पे डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से 120 पे डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 12 × 9 108, 12 × 4 48 और 10 58 पूरा, और 50 × 126000। कहीं बच्चे के माइंड में आएगा लो सर ने पूरा डिवाइड नहीं करके दिखाया, तो भाई आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 45 पे 90 5400। सरिता का निकालो लता का निकालो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। और अब हमारा अरिथमेटिक का 65 और लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन बचेंगे क्वाड्रेटिक के, उसे देखेंगे। तो ये आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर, 65 नंबर क्वेश्चन। सो गाइस एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑफ पी क्यू आर इज 63 और पी मार्क्स 15 लेस देन एस एंड 10 मोर देन क्यू। चलिए पी क्यू आर के एवरेज मार्क्स 63 है, तो 3 पर्सन है, एवरेज मार्क्स 63 तो टोटल 189, 3 बंदे हैं। अगर एवरेज मार्क जो है मार्क्स वो 63 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मार्क्स 189। पी के मार्क्स 15 लेस हैं एस से, पी के मार्क्स 15 लेस हैं एस से और 10 मोर हैं क्यू से। मतलब अगर पी एस और क्यू की बात करें, पी के 15 लेस हैं एस से, मतलब अगर ये आपका एक्स तो ये एक्स प्लस 15, भाई पी के 15 लेस हैं किससे, एस से, या एस के 15 ज्यादा है पी से, बात एक ही है। और पी के 10 मोर हैं क्यू से, तो पी एक्स तो क्यू एक्स माइनस 10, क्योंकि पी के 10 ज्यादा है क्यू से। अब लिखा है एस स्कोर 30 मार्क्स देन एवरेज स्कोर ऑफ पी क्यू आर, लिखा है सर एस के जो मार्क्स हैं वो पी क्यू और आर की जो एवरेज है उससे 30 ज्यादा है। पी क्यू आर की एवरेज 63 थी, ठीक है गाइस,
और इससे 30 ज्यादा यानी कितना 93, ठीक। और अब अगर x प्लस 15 93 है तो x कितना होगा, इसमें से 15 माइनस करो ये 78, अगर ये 78 तो ये कितना 68। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ q एंड r स्कोर, q का स्कोर आ गया, p का आ गया, इन दोनों को ऐड हमने किया तो 146 आ गया, ठीक। तीनों का टोटल स्कोर 189, इन दोनों का टोटल स्कोर 146, यहां से माइनस कर दीजिए, आपके पास जो आपका आर है उसका स्कोर 43 आ गया, सबका स्कोर आ गया, जिसका मर्जी टोटल निकालो। उन्होंने क्यू और आर का पूछा है, क्यू 68 आर 43, टोटल 111 यानी 111 स्कोर आ गया इनका टोटल क्यू और आर के स्कोर का। तो ये आपका मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद पांच क्वेश्चन और देखते हैं आपके क्वाड्रेटिक के। चलिए गाइस, आपके लास्ट इस टेस्ट के, मॉक टेस्ट के लास्ट 5 क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए गाइस, फैक्टर नहीं बनाने आते होंगे तो मुश्किल आएगी आएगी, क्योंकि फैक्टर बनाने आते हैं फिर कोई ज्यादा बड़ी टेंशन रहती नहीं है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के साथ साथ एक फैक्टर बनाने का तरीका भी दे दूंगा, तो आपको शायद उससे क्लैरिफाई हो जाए किस तरीके से फैक्टर बनाए जा सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिसको ऐड करके -32 आना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करके 255 आना चाहिए। यही करते हैं हम लोग कि इसके दो फैक्टर बनाओ, ऐड करके या माइनस करके जो भी करके -32 आए और ऐड करके 255 आ जाए। अब एक चीज गाइस याद रखना, एक काम आएगी, अगर पीछे प्लस है किसी भी इक्वेशन में, अगर पीछे प्लस है तो ये नंबर दो नंबर को जोड़ के आएगा, और अगर पीछे माइनस होगा तो दो नंबर को डिफरेंस करके नंबर आएगा। तो पीछे प्लस है तो दो नंबर का टोटल 32 आएगा। आप किस तरीके से, चलिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे 255 के, और उससे फिर ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिसका टोटल 32 होगा। उल्टी गेंद, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, बचपन में सीखा होगा ना, 30 पहले दो पे गया फिर 15 बचा फिर 3 पे गया तो 5 बचा, वही चीज हमें 255 के साथ करनी है, इन दोनों के साथ करनी है, पर यहां 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो एक 5 पे जा रहा है तो बचा 51, जब ये 5 पे जाएगा 51 बचा, फिर ये गया 3 पे और फिर बचा कितना 17, मतलब 255 के तीन प्राइम फैक्टर आए 5, 3 और 17, इन दोनों को, इन तीनों को मिलाकर दो फैक्टर बनाओ जिनका टोटल 32 आए। तो 5 × 3 = 15 और 1 = 17, दो फैक्टर आ गए, सॉल्व सर फैक्टर ही आ गए। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर अंदर पहला सिंबल माइनस है दूसरा प्लस है तो बाहर आकर एक्स के जो दोनों रूट है वो पॉजिटिव होंगे। तो एक्स के दो फैक्टर आ गए, दो रूट आ गए, एक 15 और एक 17। अब सेकंड पे चलो, सेम 2 का फैक्टर 2, ये पहले 2 पे गया बचा 81, और 81 होता है 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गया। अब 6 फैक्टर आ गए, इनसे दो फैक्टर बनाओ जिनको जोड़कर 36 आए। अब एक बार बना लो, दो बार में बना लो, वो हम पे डिपेंड करता है सर कि हमने वो फैक्टर कितनी देर में बना लिए। उन दोनों को जोड़कर 36 आना चाहिए गाइस। तो देखो एक बार, 2 × 3 = 6, 6 × 3 कितना 18, 3 × 3 = 9, 9 × 2 कितना 18। लो सर 18 और 18 36 आ गया, दो फैक्टर आ गए y के, पहला सिंबल माइनस दूसरा प्लस तो दोनों रूट प्लस के आएंगे। और एक चीज, जब हम इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं तो हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, तो ये होती है a की वैल्यू, ये b की, ये c की, तो इन फैक्टर को a की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, तो एक्चुअल फैक्टर 9 और 9 आ गए, और यहां a की वैल्यू क्या थी 1, तो डिवाइड करना नहीं पड़ा। तो ये दो फैक्टर x के, ये दो फैक्टर y के, कंपेयर करिए, जिसको कंपेयर करना नहीं आता सीखो, पहले इसको इन दोनों से कंपेयर,
फिर इसको इन दोनों से, तो 15 9 से क्या है, बड़ा है, मतलब x बड़ा, 15 इस 9 से भी बड़ा है, फिर x बड़ा, 17 भी दोनों से बड़ा है, मतलब चारों बार x बड़ा, यानी आंसर x ग्रेटर देन क्या y। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का पहला फंक्शन था। फैक्टर बनाने आते हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती सर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, और ये वाला मेथड जो है आपके बहुत काम आएगा, बड़े फैक्टर्स में, छोटे फैक्टर्स में, कहीं भी लगाइएगा, बहुत अच्छे से आपको इसको यूज करना आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बात करते हैं नेक्स्ट पे 67th क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 67 पे बात करते हैं हम, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है, तो वन बाय वन चलते हैं या एक साथ लिख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत जगह है। तो वन बाय रूट थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाय रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो, और इधर है वन नहीं है रूट थ्री प्लस वन वाई स्क्वेयर प्लस टेन बाय रूट थ्री वन वाई और माइनस ट्वेल्व बाय रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये अपने पास इक्वेशन है, इसके ऊपर बात करते हैं कि कहना क्या चाह रही है या इसके ऊपर हमें मुद्दा क्या है। देखिए पहले ये देखते हैं, रूट थ्री एलसीएम आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रूट थ्री एलसीएम, ये एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स, रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री और थ्री इंटू टू सिक्स, और ये उधर चला गया, जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं बची। तो बच्चों अब पहला सिंबल माइनस, दूसरा प्लस, तो दोनों फैक्टर तो प्लस के आएंगे। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सिक्स आना चाहिए और ऐड करके फाइव, तो दो ही फैक्टर थ्री और टू, खत्म बात। अब इसको देखो, और मेरे ख्याल से जैसा कि स्टेटमेंट की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर भी माइनस है गाइस, तो देखिएगा अगर इसको करते हैं सॉल्व तो एलसीएम रूट थ्री माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए ये बी, रूट थ्री का स्क्वेयर तीन, वन का स्क्वेयर वन, ये आ गया टू वाई स्क्वेयर, ये सेम है तो आ गया टेन वाई माइनस ट्वेल्व और इक्वल्स टू में जीरो, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो आया टू वाई स्क्वेयर प्लस टेन वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो गाइस अब इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए, पहला सिंबल प्लस दूसरा माइनस, तो बाहर एक रूट माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, तो बड़ा रूट माइनस का होगा छोटा प्लस का, दो कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, वाई स्क्वेयर फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो वाई का एक फैक्टर आएगा थ्री, एक फैक्टर आएगा टू, एक फैक्टर थ्री एक फैक्टर टू, ठीक है गाइस, बड़ा फैक्टर थ्री है छोटा टू है, थ्री बार आएगा माइनस का। तो गाइस एक्स के भी दो फैक्टर वाई के भी दो फैक्टर कंपेयर करो, थ्री इससे भी बड़ा एक्स बड़ा, थ्री इससे भी बड़ा एक्स बड़ा, टू इससे बड़ा एक्स बड़ा, टू इससे बराबर, मतलब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन क्या वाई। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बच्चों के सामने आता है, जिसने कभी नहीं पढ़ा तो उसको टेंशन हो जाती है यार क्या करूं क्या नहीं करूं, तो जितनी ध्यान से करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक बार आप इसको देख लो गौर से, कोई दिक्कत हो तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी आपको लगे तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इसको रब करता हूं, हम क्वेश्चन नंबर 68 पे जाएंगे, काफी देर आपने इसको देख लिया आपको समझ आ गया होगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, लास्ट थ्री क्वेश्चन है 68 69 60 70, तो 68 देखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस 378 इक्वल्स टू जीरो और थ्री वाई स्क्वेयर माइनस 75 वाई प्लस 468 इक्वल्स टू जीरो, वही बस ये छोटी छोटी चीजें सीख लो, दोनों माइनस है तो बाहर एक फैक्टर प्लस का एक माइनस का, बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, ये चीज आपको पता हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो मैंने इसके फैक्टर आपको बनाने सिखाए, पहले क्या करो इसके फैक्टर बना लो,
पहले गया टू पे, टू पे जब इसको डिवाइड करोगे गाइस तो अपने पास जो है साफ साफ दिख रहा है 189 बचेगा और वो जाएगा थ्री पे, थ्री पे डिवाइड करोगे तो 63 बच गया, वो फिर थ्री पे गया, बचा 21, वो फिर थ्री पे गया और फिर किस पे 7। इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, को प्राइम प्राइम कुछ भी कह लो। अब क्या होता है गाइस, हमें इनसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो भाई इनसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। अब आप चाहे आधा घंटा लगे रहो चाहे 2 मिनट में बना दो, वो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी देर में बना दिया कितनी देर में नहीं, जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो देखो जरा, 3 × 3 9, 9 × 2 18 और 3 × 7 21। खत्म सर, सेकंड्स लगेंगे बस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेस्ट तरीका ये। अब आप कहो सर हम एकदम कैसे कैच करेंगे, 10-12 इक्वेशन लगाओगे बात समझ आने लग जाएगी। तो x के दो फैक्टर, एक 21 एक 18, दोनों सिंबल माइनस है तो बाहर दो रूट तो ये निकलेंगे, बड़ा रूट प्लस का होगा छोटा रूट माइनस का होगा। अब इसको देखो, एक फैक्टर 3, ये पहले गया 2 पे तो बचा 234, फिर गया 2 पे बचा 117, फिर गया 3 पे बचेगा 39, फिर गया 3 पे और फिर बचेगा 13। अब देखो ये इनसे दो फैक्टर बनाने हैं सबसे जिनका टोटल या डिफरेंस 75 आना चाहिए। अब मैंने क्या सिखाया था, प्लस है तो दो नंबर का टोटल 75, माइनस है तो दो नंबर का डिफरेंस ये नंबर होगा। आ गया यहां पे। अब देखो 75 एक ऑड नंबर है और दो नंबर का टोटल ऑड तब होता है जब एक नंबर ऑड हो और एक नंबर इवन। बात सुनना, दो नंबर का टोटल ऑड तब होता है जब एक नंबर ऑड हो एक नंबर इवन। तो आप क्या करो, इवन नंबर का तो एक ग्रुप बना लो अलग से, 2 × 2 = 4। अब इसको एक ग्रुप बना लो, अब इनको देखो और इनसे दो फैक्टर बनाओ जिनका टोटल 75 हो। सो गाइस 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36 और 3 × 3 = 39। टोटल करो 75 आ रहा है। तो y के दो फैक्टर 36 39, भूलना नहीं कभी भी a से डिवाइड करना है क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर निकाल रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, और पहला सिंबल माइनस दूसरा प्लस, दोनों रूट प्लस के आएंगे, एक 12 एक 13। अब यहां पर हम इसे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, 21 इससे बड़ा x बड़ा, 21 इससे भी बड़ा x बड़ा, और माइनस 18 इससे छोटा, इससे भी छोटा है y बड़ा। आंसर कांट डिटर माइन या कांट एस्टेब्लिश द रिलेशन, क्योंकि जब दोनों साइड से फैक्टर बड़ा आने लग जाए, x भी बड़ा y भी बड़ा, आंसर नो रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 68 था, ये चीज आप जरूर सीख लेना, बार बार रिवाइंड कर सकते हो, भूल जाओ तो इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या अगला पेपर जब मैं फिर करूंगा तो उसमें और इक्वेशन मिलेंगी और सीखने को मिलेगा सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 68 था गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे कि क्वेश्चन नंबर 69 क्या बात करता है। तो 69 है रूट एक्स का क्यूब प्लस 9√x प्लस 20/√x इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन, एक और है दूसरी, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या बोलती है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद दूसरी देखते हैं। तो देखिए इसका पहले तो हमने ले लिया एलसीएम, अब बताओ रूट एक्स का क्यूब जो आएगा वो आएगा एक्स रूट एक्स, सिंपल रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और फिर इंटू रूट एक्स करोगे तो रूट एक्स का क्यूब एक्स रूट एक्स आएगा और एलसीएम रूट एक्स आ गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सिंपल। और प्लस ये आ गया कितना 9x और यहां पर क्या बच गया 20 और ये इक्वल्स टू में जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, सिंपल गाइस। 9 के दो फैक्टर बनाओ
जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। और गाइस दो फैक्टर एक 5 बनेगा एक 4, दोनों सिंबल प्लस हैं, दोनों रूट बाहर आकर किसके माइनस के हो जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट। एक दूसरे को भी यहां साइड में लिख देता हूं, ये पहला था 69 का, ये दूसरा है वाई स्क्वेयर माइनस 19y प्लस 84 इक्वल्स टू 0। वही चीज सर, बहुत इजी है वैसे तो दिख रहा है, फिर भी किसी को ना समझ आए तो पहले 2 पे बचा 42, फिर 2 पे बचा 21, फिर 3 पे बचा कितना 7। अब इनसे दो फैक्टर बनाओ जिनका टोटल 19 होना चाहिए, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, एक 12 और एक 7, तो y के दो फैक्टर एक 12 और एक क्या 7। और गाइस सिंपल सी बात, पहला सिंबल माइनस, दूसरा सिंबल प्लस, दोनों फैक्टर प्लस के, ये दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस के, कंपेयर करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाई ग्रेटर देन एक्स। और ऐसी इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि यहां से क्या निकलेगा, पर आपकी इक्वेशन बनी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों प्लस तो इसके दोनों फैक्टर होंगे माइनस के, फैक्टर ढूंढो ही मत चाहे जितनी मर्जी टफ हो, दोनों सिंबल प्लस तो दोनों फैक्टर माइनस के, पहला माइनस दूसरा प्लस तो वाई के दोनों फैक्टर प्लस के, x के दोनों फैक्टर माइनस के आएंगे, y के दोनों फैक्टर प्लस के आएंगे, ऑब्वियस है y ग्रेटर हो जाएगा x से सर, ठीक है। सो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का आपका क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं उसका, क्वेश्चन नंबर 69 था। अब हम अपने मॉक टेस्ट का और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 70 पे बात करते हैं, बहुत इजी है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और क्यूब इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वेयर माइनस 49y प्लस 444 इक्वल्स टू 0, ठीक लास्ट है, देखिएगा। अब पहला तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको हम लोग 0 के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, जीरो का ही क्यूब तो जीरो होगा या जीरो का ही स्क्वायर तो जीरो होगा, तो ये भी चार होना चाहिए। अगर ये चार होना चाहिए तो ये दो भी हो सकता है, माइनस दो भी हो सकता है, क्योंकि दो का स्क्वायर चार, माइनस दो का भी स्क्वायर चार, मतलब प्रूव एक्स की टू वैल्यू टू और क्या माइनस टू, बहुत सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर एक बार लिखता हूं मैं इसे, देखना पूरी क्लास भाई क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने, याद होगा पहले गया 2 पे बचा 222, फिर गया किस पे 2 पे बचा 111, अब 3 पे जाएगा, जब 111 आप 3 पे डिवाइड करोगे तो वैल्यू बचेगी 37। अब हमें 37 के मतलब इनसे ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका टोटल 49 है, 49 ऑड है, तो एक फैक्टर ऑड होगा एक इवन होगा, तभी जोड़ के अपने पास फैक्टर आएगा क्या ऑड, क्योंकि 49 ऑड है गाइस। तो इसके लिए इवन नंबर का तो एक ग्रुप बना लो, 4 हो गया, अब ये 3 नंबर बचे, इनको जोड़कर दो फैक्टर बनाओ जिनका टोटल 49 आए, 3 इंटू 4 12, एक 37, टोटल 49, और y के दो फैक्टर एक 12 एक 37, और पहला माइनस दूसरा प्लस तो दोनों फैक्टर प्लस के आएंगे, तो दो फैक्टर x के, दो फैक्टर y के, 2 भी इन दोनों से छोटा होगा, माइनस 2 भी इनसे छोटा होगा, तो आंसर गाइस y ग्रेटर देन x। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक भी खत्म पांचों, और हमारा मॉक टेस्ट भी ओवर। और तो अगर हम अपने मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो अगले मॉक टेस्ट के साथ मैं फिर मिलूंगा, उससे पहले आप लोग हर मॉक टेस्ट लगा के देखें, हर संडे का केडी का, और मॉक टेस्ट में और क्वेश्चन नए नए डलते रहेंगे, तो आप उसको देखो, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो केडी कैंपस के चैनल पे आपने देखा हमारे साथ एक SVPO मॉक टेस्ट, और अगली बार हो सकता है कि आपके साथ और क्वेश्चन 35 अभी प्री चल रहा है, फिर मेंस पे भी बात करेंगे। तो गाइस इस सॉल्यूशन या इस वीक के लिए इतना ही है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग, थैंक यू।
एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या केडी कैंपस में और भी वैल्यूएबल क्वेश्चन या डाटा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।